आगा वही नहीं आता। यहाँ पे आपको एंट्री लगेंगे 50 रुपीज मात्र, लेकिन हम आए फ्री में डंगा टाप के, वो आपको दिख जाएगा वीडियो में। जल्दी उतर भाई, उतर। ये है लॉल की बहू। तो गाइस हम मिलते हैं कोट मनाली में, बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपको दिख रहा है हम एक ट्रेल से जा रहे हैं, और साथ में हमारे साथ बहुत सारी बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे होंगे। आपको जंगल दिख रहा होगा। तो अब हम जा रहे हैं इसी रास्ते से ओल्ड मनाली। तो नूरजन बताएगी कि हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कल परसों मेरा एंगेजमेंट हुआ था। तो ये आई नहीं, कल परसों मेरा एंगेजमेंट हुआ था तो ये नहीं आई थी, इसीलिए अब मुझे इसे पार्टी कराने ओल्ड मनाली जाना पड़ रहा है पर नहीं रहा है, मैं ले जा रही हूँ। तो मिलते हैं आपको गाइस सीधे ओल्ड मनाली में। ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। अच्छा बोल, फिर से बोल, करना। अब मिलते हैं आपको सीधे ओल्ड मनाली में। पूरा तो बोल दे पहले कैमरा तो बंद करके। आपको सीधे ओल्ड मनाली में, ठीक है, बाय। ये है हमारी नई दोस्त, इनसे मिलिए। इसका नाम है डोमा अंकल, जो मुझे भी नहीं पता। डोमा आपको कितने कदम बनाने जाते हैं? जोर से बोल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या है? ये आए हैं सीधे मुंबई से। मुंबई से आया मेरा दोस्त। ये मुंबई से आया है और मनाली घूमने के लिए। इनको बहुत अच्छा लगा मनाली। तो आपको कैसे लग रहा है एंगेजमेंट करके? जैसे पहले लग रहा था वैसे ही लग रहा है। कोई खुशी महसूस नहीं हो रही आपको? नॉर्मल। कोई एक्साइटमेंट नहीं? ना। कोई शर्म नहीं? नहीं। बेशर्म औरत। कुछ तो होनी चाहिए ना एक्साइटमेंट। आप नॉर्मल लग रहा है सब चीज़। चलो कोई बात नहीं, जब इसकी शादी होगी तो शायद इसको एक्साइटमेंट होगी, बट ये थोड़ी बेशरम है। इसको फिर भी शर्म नहीं होगी। शक्ल से लग रहा है। तो गाइस आपको खूबसूरत जंगल दिख रहा होगा। तो यहाँ पर पक्षी भी है, बर्ड्स भी है, वाइल्ड जो भी बर्ड्स होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले तो आपको मिलाती हूँ मोर से। और यहाँ पे मनाल भी है। तो जैसे कि आपने देखा इन दो पक्षियों को, इनको पिंजरे में बंद नहीं किया है, क्योंकि ये वाइल्ड है और ये जंगलों में ही रहते हैं ये दोनों प्रजाति। और एक ही जगह बनाती है वीडियो। वही दिखा लोगों को फैमिली ट्री दिखा। तो गाइस हम आपको बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ दिखाएंगे जिसका नाम है फैमिली ट्री। ये रहा वो, ये एक ही तने के ऊपर, तने ना तना, एक ही तन जड़। एक ही बोलने दे। तो ये एक ही तने के ऊपर बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, इसे कहते हैं फैमिली ट्री। ये लकी होता है, ये लकी होता है। तो मांग तू विश। ये सुंदर से जंगल में अब ये फैमिली ट्री से विश मांगना जा रही है। मांग अब। कुछ हाथ तो जोड़ना था क्या गले में? तो गाइस आपको पता है क्या हुआ है यहाँ पर? क्या हुआ बता? यहाँ एक जंगल में ना वो भालू बंद करके रखा था पिंजरे में, फिर उसको मतलब अभी वो ना पिंजरा तोड़ के चले गया, तो अभी हम उसको ढूंढने गए जा रहे हैं।
हमारे साथ बहुत सारे लोग भी हैं, वो पीछे से आ रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे हम ओल्ड मनाली में है बोल रहे हैं वो, तो वहाँ जाके आपको दिखाते हैं बालू। तो गाइस अगर भालू मिला हमारे को तो हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये है ओल्ड मनाली, जिसे कहते हैं पुरानी मनाली। ये मनाली का सबसे बड़ा गांव है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत गांव है, और यहाँ पे बहुत सी मात्रा में टूरिस्ट भी आते हैं, फॉरनर्स आते हैं, बाइक राइडिंग के लिए आते हैं। और यहाँ का सबसे फेमस टेम्पल है मनु ऋषि टेम्पल। पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है मनु ऋषि जी का टेम्पल, वो है ओल्ड मनाली में। तो उस टेम्पल के आप दर्शन करने आ सकते हो उस जगह में। गाइस ये तो भालू का इंतजार कर रहे हैं जो स्कूटी में बैठ के आ रही है। फीमेल है वो, यहीं से आएगी वो पीछे से। फीमेल है भालू? हाँ फीमेल है भालू। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हमारा भालू गायब हुआ था वो ये है। चैनल टू वेलकम। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हाय गाइस आई एम बैक टू मनाली। थोड़ा दूर देखिए प्लीज, थोड़ा थोड़ा पतरा आ रही थी थोड़ा। अभी हम पहुंचे हैं जैसे कि आप देख रहे हो, जोर से बोले ऐसे। तो अभी हम पहुंचे हैं बैक यार्ड, और उसके ही बैक यार्ड में हम बैठे हैं अभी, वो भी चिल कर रहे हैं नदी की सरसराहट छनछनाहट। क्या बोल रही है? रशिया आप वापिस कब आए मनाली? मनाली मैं वापिस आई हूँ परसों। अच्छा, पिछले परसों। और मनाली आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने घर अपने वातावरण में वापस आके इन देवदार के पेड़ों के बीच और अपने इन जानवरों के बीच अपना थोबड़ा इसमें से मैं भी एक भालू। तो तू बता। तो गाइस जो मैंने आपको जंगल में बताया था एक भालू हम ढूंढने आए हैं ओल्ड मनाली, तो वो ये है। अबे ये गलत बोल रहे हैं, इनको समझ नहीं आता, थोड़ा अभी बताना पड़ेगा ना। अच्छा तो आप क्या खा रहे हो करछी से? भाई चम्मच दिया नहीं तो करछी से ही खाना पड़ेगा। इतनी खुशी लड़ाई झगड़े। तो गाइस जैसे कि आप देख ही रहे हो हम लोग ने अब मंगवा दिए हैं फार्म हाउस पिज्जा। दूर रख यार देखिए चीज लपलपाते हुए खाऊं। ठंड हो जाएगा यार, पहले ही ठंड हो जाएगा। चीज लपलपाते हुए बोला भाई, खाइए खाइए। वही क्या खा रहे आप? नोजल पास्ता जो मुंह के अंदर घुसते ही घुल जाता है। और आप क्या कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप सभी का स्वागत है तनिषा के ब्लॉग में। तो आप सब कमेंट कीजिए कि तनिषा रेगुलर वीडियो डाले। क्यों क्यों है ना, क्यों डालूं मैं रेगुलर वीडियो? अरे रेगुलर ना कोई सब्सक्राइब करता है ना कोई वीडियो देख के जाता है, कोई सब्सक्राइब करके जाता ही नहीं है, तो मैं क्यों डालूं? अरे सब्सक्राइब करेंगे ना भैया जी, आप सभी से हाथ जोड़ के पैर बढ़ के भी वो आपका क्या बोलते हैं नमन है आप सभी को कि आप सब उसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को इसके जो नेचुरल जो ये अपने मतलब अगल बगल खेत का जो ज़्यादातर दिखाती है उससे थोड़ा हट के अभी वीडियो बनाएगी।
बाहर ही नहीं निकलने देते मुझे घर वाले। बाहर निकलने दीजिए ना आंटी, आंटी थोड़ा बाहर निकलेंगे तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तभी तो पैसे आएंगे, बोले तभी तो पैसे आएंगे, तब तो फिर फरारी जगुआर। तो हम आपसे चाहते हैं कि आप जरूर तनिषा के ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आप देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो ये गाना, ये इसको आंख में स्क्रीनशॉट मार दीजिए। चल चलो ये लेके चलते हैं अंदर पोज। कांग्रेचुलेशंस। तो जब पूरे ब्लॉग में इसको कांग्रेचुलेशन कर रहे थे तो इनकी सह पार्टी होने वाली थी, मैं बता इनके जीवन साथी होने वाले हैं और ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी मतलब कि एक्साइटमेंट नहीं है। आपको एक्साइटमेंट नहीं है क्या? सेम ईयर, सेम ईयर। उन्होंने हमें ज्वाइन किया ये पंजाब से, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समझ रहे हो ना, एक अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते हुए one more subscriber every two channel vlogs. मैं भी तो आज का व्लॉग देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें। और जैसे कि आपको मेरी टशी खांपा मेरी फ्रेंड ने बताया कि सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।